hello students uh, welcome to matrix and welcome to this series of video lectures of physical chemistry next chapter we are going to start is chemical kinetics तो इससे पहले कुछ चैप्टर्स नॉर्मली अपन पढ़ लेते हैं मॉल कॉन्सेप्ट थर्मोडाइनमिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें कि जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट है उसका कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा उससे प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट रिलेटिवली ज़्यादा मिलेंगे या रिएक्टेंट ज़्यादा मिलेंगे ये सब जहाँ वहाँ केमिकल इक्वरियम में पढ़ लेते हैं रिएक्टेंट के कितने अमाउंट से प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा या प्रोडक्ट के कितने अमाउंट को फॉर्म करने के लिए रिएक्टेंट का कितना अमाउंट चाहिए ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ लेते हैं और कोई भी जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं ये थर्मोडाइनामिक्स में पढ़ लेते हैं लेकिन जो थर्मोडाइनामिक्स है उसका सबसे जो मेन ड्रॉबैक है वो ये कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने में या ट्वेंटी फाइव परसेंट कंप्लीट होने में या उसके फिफ्टी परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में थर्माने कोई बात नहीं करता जैसे लेट से मेरे पास एक रिएक्शन है कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट अकॉर्डिंग टू थर्मा इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है इज लेस देन जीरो इस रिएक्शन के डेल्टा जी लेस देन जीरो होने का मतलब अकॉर्डिंग टू ये रिएक्शन फिजिबल है ये रिएक्शन पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स एट सर्टेन कंडीशन डायमंड कैन कन्वर्ट इन टू ग्रेफाइट या डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन एज यू ओल नो अपन यही समझते हैं कि डायमंड्स आर फॉर एवर इसीलिए जो है वो बहुत बार जो रिंग वगैरह अपन अपने लिए या फॉर एग्जांपल तुम दूसरे लोगों के लिए परचेस करते हो या अभी बच्चे हो थोड़ा टाइम बाद में परचेज करोगे तो वो जो रिंग्स हैं डायमंड की या डायमंड के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो फोर होते हैं अपने को ऐसा लगता है कि डायमंड जो है वो कभी ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए जबकि अकॉर्डिंग टू थर्माडाइनमिक्स ऐसा लगता है कि डायमंड शुड कन्वर्ट इन टू ग्रेफाइट डायमंड विल कन्वर्ट इन टू ग्रेफाइट तो प्रॉब्लम क्या है तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रेट एट विच डायमंड विल कन्वर्ट इन टू ग्रेफाइट इज़ वेरी वेरी लो मतलब रेट जिससे कि जो है वो डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा या डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगेगा वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम कि डायमंड जो है वह एक्चुअल में ग्रेफाइट में कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा तो किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताने के लिए थर्मोडाइनमिक्स के साथ साथ कैनेटिक्स का भी बहुत रोल है इट मीन्स कि अपने को ये भी बताना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है वो फिजिबल है बट हाउ मच टाइम इट विल टेक कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में 25% फाइव परसेंट कम्प्लीट होने में 50 परसेंट कम्प्लीट होने में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है एन टू प्लस एच टू से NH3. अब ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की रेट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि लेट्स जो है वो इनिशियली टेन मिनट्स में जो है वो एन टू एच टू का इतना इतना अमाउंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट अमोनिया का जो है वो इतना अमाउंट बन रहा है या मेरे से ऐसा पूछा जाए कि अमोनिया के पाँच मोल बनने में या एक मोल बनने में या दो मोल बनने में कितना टाइम लगेगा तो प्रोडक्ट का एक सर्टेन अमाउंट फॉर्म होने में हाउ मच टाइम लगेगा या जो है वो रिएक्टेंट के एक सर्टेन अमाउंट को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेट्स जो है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनिशियली जो भी अपने रिएक्टेंट्स के मोल लिए हैं वो कंप्लीटली कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा 50 परसेंट कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा ये सब के बारे में ही इस चैप्टर में अपने को डिस्कस करना है तो एक्चुअल में जो वो अमोनिया का दो मोल बनने में कितना टाइम लगेगा पांच मोल बनने में कितना टाइम लगेगा ये सब को फाइंड आउट करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपन इसके बारे में पढ़ें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी स्पीसी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी स्पीसी के बारे में अपन इसलिए पढ़ें क्योंकि एक्चुअल में जो वो अमोनिया के दस मोल बनने में कितना टाइम लगेगा ये अपन इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कोई अपने को ये दे दे कि अमोनिया का एक सेकंड में एक मोल बन रहा है या अमोनिया के एक सेकंड में दो मोल बन रहे हैं मतलब एक्चुअल में अपने को किसी तरीके से ये पता चल जाए कि अमोनिया के बनने का रेट क्या है 35 .like देन दस सेकंड में कितना अमोनिया बनेगा तो या अमोनिया के पाँच मोल बनने दस मोल बनने दस ग्राम बनने या पचास ग्राम बनने में कितना टाइम लगेगा उसको फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है इसके साथ साथ इस चैप्टर में अपन ये भी पढ़ने वाले हैं कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फोम या कंज्यूम होने की रेट को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जिससे मान लो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत फास्ट होती हैं लाइक प्रसिपटेशन रिएक्शंस कुछ रिएक्शन्स ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि ना तो बहुत फास्ट होती हैं ना बहुत स्लो होती हैं उनका रेट जो है वो मॉडरेट सा होता है तो एक्चुअल में जो है वो अपने को बहुत बार ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है अपन ऐसा चाहेंगे कि एक्चुअल में वो रिएक्शन थोड़ा स्लो कई बार जो है वो एक्चुअल में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कोई रिएक्शन बहुत स्लो है जबकि अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में थोड़ी फास्ट होनी चाहिए तो मेरे को यदि ये, ये पता है कि ये कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर रहे हैं देन मैं उन फैक्टर्स को मॉडिफाई करके उस रिएक्शन की रेट को कंट्रोल कर सकता हूँ तो ये जो चैप्टर है इसमें अपन ये भी पढ़ने वाले हैं कि किसी रिएक्शन की रेट को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं